आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। महबूबा मुफ्ती के आवास पर पीडीपी को नहीं मिली युवा सम्मेलन की इजाजत, पार्टी ने लगाए गंभीर आरोप। जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले हम गन्ना की बात करते हैं और वो जिन्ना की। राजस्थान की रैली में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा जनता की भलाई नहीं चाहती है सरकार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,774 नए केस दर्ज, 306 लोगों की मौत। संजय राउत बोले कांग्रेस को फिर से मजबूत करना राहुल प्रियंका के सामने बड़ी चुनौती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले के हरबर्टपुर क्षेत्र के लोगों को अब नया आधुनिक सुविधाओं से लैस बस अड्डे की सौगात मिलने जा रही है। बस अड्डे का उद्घाटन विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने किया। बस अड्डा लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने में तैयार किया गया है। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि हरबर्टपुर बस अड्डा क्षेत्रवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रा सीजन में यहीं से बसों का संचालन भी होगा। सुसज्जित सुविधा संपन्न बस अड्डा बने, यहाँ से चारों दिशाओं में सभी दिशाओं में आवागमन बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा और यहाँ पर स्वरोजगार तमाम सारा होगा और जन साधारण को बहुत सुविधा इससे होगी। तो इसका ऐसे शुरू हो गया, ठेकेदार विभाग के एमडीडीए के इंजीनियर सब अभी साथ है मौके पर और उसको आज से काम आप प्रारंभ समझिए। देखिए, इस बस अड्डे का चरणबद्ध रूप से विकास किया जाएगा। अभी प्रथम चरण में इसके लगभग 4 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस बस अड्डे को हम वर्टिकली ले जाएंगे, ठीक है, और इसका निरंतर विस्तार करेंगे। यहाँ पे तमाम सारा भविष्य में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह फलाना ढिमकाना और यात्रा के, ताकि बस अड्डे पे जिन सुविधाओं की जरूरत हो, ठहरने बैठने खाने पीने आने जाने जितने भी सुविधाओं की आवश्यकता है, जो आज के तारीख में अंतर्राज्य बस अड्डों पर जिन सुविधाओं की दरकार होती है, वो सब सुविधाएं हम यहां पर सृजित करेंगे और चरणबद्ध रूप से यहां का हम विकास करेंगे। श्री मुन्ना सिंह चौहान विकास नगर हरपुर क्षेत्र वासियों को एक बड़ी सौगात के रूप में बस अड्डे के रूप में दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि इस बस अड्डे से क्षेत्रवासी ही नहीं, निकट हिमाचल हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश क्षेत्र के यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलेगी। यहीं से वो बस में बैठ के अपने गंतव्य को जाएंगे। और वही दूसरी तरफ आपको बता दूं कि उत्तराखंड के चार धाम यात्रा इसी बस अड्डे से होकर जाएगी। और आपको ये बता दूं कि ये जो बस अड्डा आधुनिक हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा, दिल्ली बस अड्डे की तर्ज पर ये बस अड्डा लैस किया जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि विकास नगर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान अभी इस बस अड्डे का उन्होंने उद्घाटन किया है। मैं अपने जरा कैमरामैन से कहता हूं कि जरा दिखाइए कि अभी श्री मुन्ना सिंह चौहान जी अभी इस बस अड्डे का उद्घाटन कर रहे हैं। यहां पर इस क्षेत्र की जनता भी श्री मुन्ना सिंह चौहान को सुनने आ रखी है और ये जो बस अड्डा है ये आने वाले समय में इस क्षेत्र वासियों को वरदान साबित सिद्ध होगा। अब देखना है कि जो एमडीडीए या कार्यदायी संस्था है ये कितने समय में इस बस अड्डे को बनाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज। बाजपुर के देहरादून में 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने के लिए पार्टी लगी हुई है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को होने वाली राहुल गांधी की रैली की बड़ी रैली के रूप में सफल बनाना है, क्योंकि यह रैली 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करेगी, क्योंकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर 16 दिसंबर को 29 बसों में सवार होकर देहरादून रैली में प्रतिभाग करेंगे।
कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा को लेकर बाजपुर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था। 97 के वॉर में जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जो उसमें शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन वीरों का हम नमन करना चाहेंगे, उनको श्रद्धांजलि के पुष्प देना चाहेंगे। अभी एक शहादत और हुई है, जनरल विपिन रावत जी जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी धर्म पत्नी की भी मौत हुई है, मृत्यु हुई है। 11 और अधिकारी जवान की मौत के मुंह में समा गए। सबसे पहले हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि जो पूर्व सैनिक हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनकी उनके परिवार को सम्मानित किया जाएगा और जो उनके परिजन हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। कि आज जो है थाना बाजपुर क्षेत्र में कानून व्यवस्था के मद्देनज़र ये पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जैसा कि आपको विदित है कि विगत 4 दिसंबर को एक इंसिडेंट यहाँ बाजपुर में हो चुका था, तो उसी के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी के मद्देनजर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। चंपावत में बस्तियों के पास किरोड़ा नाले में बना पुल जो टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है, पुल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस पर जितनी बार वाहन गुजरते हैं उतनी बार सीमेंट कंक्रीट टूट कर नीचे गिरते रहते हैं, जिससे वहां पर बड़ा ढेर लग गया था। बस्तिया प्रधान राम सिंह का कहना है कि यह पुल हमारे लाइफ लाइन की तरह है, जिससे हम टनकपुर से जुड़े रहते हैं। अगर यह टूट जाएगा तो ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने भी इससे नाराजगी जाहिर की है और सीधे इसकी मरम्मत किए जाने की मांग की है। किरौड़ा पर बना हुआ पुल ये करीब 20 साल पहले बना हुआ था, लेकिन इसको बीच में NH ने करीब 5-6 महीने पहले इस पे कुछ काम किया, जिससे इसकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। इस पर बड़े बड़े जैक हैमर चलाए गए हैं, वो पुल करीब नीचे से टूटने के कगार पर है। बाकी गाड़ियां जितनी आती हैं ऊपर नीचे, वो बार बार जम कर रहा है और बार बार टूटते जा रहा है। आगे भविष्य में पुल शायद ये ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। टनकपुर पिथौरागढ़ जो ऑल वेदर रोड है, उसमें किरोड़ा नाले पर बना हुआ जो पुल है वो कुछ अभी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस संबंध में जो भी आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के निर्देशों में एक पूरी रोड का सर्वेक्षण भी हमारे द्वारा किया गया है, जिसमें कि टनकपुर से लेकर घाट तक पूरा रोड का सर्वेक्षण हुआ है और हम इस चीज़ को अपनी इस रिपोर्ट में लाएंगे। और साथ ही इसमें NH को भी बता दिया गया कि इसको जल्दी रिपेयरिंग वर्क इसमें स्टार्ट किया गया है और फिलहाल इसके संबंध में जो हमारी विस्तृत रिपोर्ट है। बाजपुर के कोसी खनन क्षेत्र प्रधान घाट के पास अवैध खनन लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हो गया है। चौकी इंचार्ज ने CHC में ले जाकर भर्ती कराया। पूरी घटना के बाद पीड़ित परिवार ने जमकर हंगामा काटा और पुलिस पर अभिन वसूली के आरोप लगाए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए काशीपुर भेज दिया है। वहां पर चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह दोहरा, चौकी इंचार्ज अशोक कांडपाल और पीड़ित को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। नाखेड़ा क्षेत्र का मामला है, इसमें एक ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से दो बाइक सवार थे, उसमें से एक की मौत हो गई है और एक घायल है। दोनों को ही मौके पर चौकी इंचार्ज द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से एक को ब्रॉड डेड और एक के उपचार किया जा रहा है। जिनकी मृत्यु हुई है पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और तहरीर आने पर सुसंगत धाराओं में उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसी ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया गया है, वो एक्चुअली चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा था उस वक्त और चौकी इंचार्ज। चंपावत में देवेंद्र पिंचा पुलिस अधीक्षक जनपद चंपावत के निर्देशानुसार और क्षेत्राधिकारी महोदय टनकपुर के निर्देशन में जनपद चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत जनपद चंपावत के थाना बनबसा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस टीम ने धनुष पुल बनबसा से नेपाली नागरिकों के कब्जे से स्मैक बरामद कर परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है। अभियुक्तगढ़ के उपरोक्त के विरुद्ध थाना बनबसा में स्मैक बरामद किए गए।
हरिद्वार है, हरिद्वार वाली, हरिद्वार में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियों को दिल्ली से हरिद्वार लाया गया, जहां पूरी रीति रिवाज के बीच बेटियों ने मां गंगा में जनरल बिपिन रावत की अस्थियां विसर्जित की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल बिपिन रावत की बेटियां और परिजनों से मुलाकात की और इन दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। प्रशासन के अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। कलियर में विधानसभा ज्वालापुर के घाट क्षेत्र में चुनाव को लेकर जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि वोट लेने के बाद नहीं दिख पाते हैं और विधायक प्रतिनिधि और इस बार कांग्रेस का विधायक बनाएंगे जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। और ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा सरकार में महंगाई ने कमर तोड़ दी है, इस सरकार में अपने परिवार का पालन पोषण करना हमारे भारी हो गया है। कांग्रेस सरकार में महंगाई बेरोजगारी से भी राहत मिलेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार, क्योंकि एक बार भाजपा की आती है और एक बार कांग्रेस की आती है। कांग्रेस आप किसको पसंद करेंगे, वो तो आती है। मैं तो कांग्रेस को पसंद करूंगा। अच्छा, जैसे महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा है। और विकास को लेकर मौजूदा विधायक जैसे सूर्य राठौर ने क्या कैसे तो यहाँ एक बार वोट लेकर दोबारा यहाँ दिखाई भी नहीं दिए। क्या 5 साल में अब तक पहुँचे नहीं? एक दो बार आया, वो इक्का दुक्का बुलाई सा आया। नहीं तो हम जो भाजपा के अगेन हो उससे सपोर्ट करेंगे। अरे हमें तो कांग्रेस ही लग रही है, उसके खिलाफ मजबूत दरवाजे पर खड़ी हुई। जी, बेरोजगारी को लेके क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो बस आप देख ही रहे, कांग्रेस के टाइम में बच्चों को वजीफा भी मिलता था कक्षा 1 से 8 तक। मसूरी में विश्व माउंटेन दिवस के अवसर पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और नगरपालिका परिषद मसूरी की तरफ से राजमंडी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूली छात्राओं ने भी भाग लिया और भारी मात्रा में कूड़ा एकत्रित किया। इस अवसर पर हिलदारी संस्था के अरविंद शुक्ल ने कहा कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लगातार प्रयास किया जा रहा है। मसूरी शहर की स्वच्छता और सुंदरता कायम रहे और इसके लिए जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जो है वर्ल्ड माउंटेन डे है, तो वर्ल्ड माउंटेन डे के अंदर हम लोगों ने इन बातों को रखा है कि अपने पर्वत को कैसे हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे इसको जो है संरक्षण दे सकते हैं। तो इसके एवज में नगर पालिका परिषद, कीन, हिलदारी, मसूरी इंटर गर्ल्स कॉलेज और दी फन ब्रेंटवुड और साथ में नगर पालिका के भी बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पर, और साथ साथ में कुछ स्वयंसेवी संस्था के भी यहाँ पर से रूबी अंजुमम उनकी भी टीम यहाँ पर आई हुई थी। इन लोगों ने मिल करके जो आज हम लोगों ने राजमंडी के पास से जो क्लीनअप किया है, स्वच्छता अभियान किया है, जिसमें करीब हम लोगों ने 610 किलो कूड़ा निकाला है और आने वाले दिनों में और भी कूड़ा यहाँ पर जो है जिसको हम लोग जो है जल्दी सफाई करके इसको हम लोग जो है मुक्त करेंगे। और आज की डेट में हम ये बताना चाहें कि विगत 3 वर्षों से कीन, हिलदारी और नगर पालिका और अलग अलग स्वयंसेवी संगठन ने मिल करके करीब 121 इस तरीके से स्वच्छता अभियान हम लोगों ने चलाया है और इन 3 सालों के अंदर में अगर देखा जाए तो 607 मैट्रिक टन कूड़ा हम लोगों ने लैंडफिल में ले जाने से बचाया है और उनको ले जा करके हम लोगों ने DWCC में प्रोसेसिंग जहाँ पे हमारा होता है उनको हम लोगों ने वहाँ जमा किया हुआ है। एक्चुअली क्या है कि आज जो है माउंटेन डे है, तो माउंटेन डे पे जो है हम लोगों ने जो है कीन संस्था ने नगर पालिका के साथ, हिलदारी के साथ, रूबीज इंस्टीट्यूट फंड के साथ और मसूरी गर्ल्स के जो हमारे छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे उनके साथ में मिलकर जो है एक अवेयरनेस टाइप का है ये भी कि जो हम कूड़ा तो एकत्रित कर रहे हैं परंतु उससे ज़्यादा है हम लोगों को दिखाएं यहाँ पर कि हम लोग जो है आप ही लोगों के द्वारा जो फेंका गया कूड़ा है वो हमारे द्वारा जो है इकट्ठा किया जा रहा है। परंतु हम ये चाहते हैं कि मसूरी में जागरूकता अभियान जो है चल रहा है, जो हिलदारी टीम चला रही है और धरातल पर जो है कीन संस्था जो है डोर टू डोर जो है कूड़ा इकट्ठा एकत्रित कर रही है और उसको जो है ट्रिंचिंग ग्राउंड पे जाके एक रिसाइकलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि मसूरी में हर तरह के हर एक घर से जो है कूड़ा एकत्रित हो और जो नहीं दे रहा है उस पर, जैसे कि अभी हमारे अरविंद भाई ने बताया है कि हम नगर पालिका के EO सर से और अध्यक्ष साहब से जो है हमारा हमेशा ये तात्पर्य रहता है कि आप जो है कृपया करके जिस घर का हम आपको देते हैं कि ये घर कूड़ा नहीं दे रहा है।
आए दिन ऋषिकेश एम्स की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शिकायतें सामने आती रहती हैं। बिगड़ी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एम्स प्रशासन कई बार प्रयास कर चुका है, लेकिन इस बार समस्याओं का शिकार कोई और नहीं बल्कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहन सिंह रावत गांववासी हुए हैं। आरोप है कि 11 नवंबर को एम्स में भर्ती होने के बाद उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर नजर आई और कई व्यवस्थाओं को लेकर एम्स प्रबंधन फेल नजर आया। वहीं एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हरीश मोहन थपलियाल का कहना है कि उनकी जानकारी में मोहन सिंह रावत गांववासी का भर्ती होने की बात है, लेकिन उनके साथ हुए व्यवहार की जानकारी नहीं है। जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय अटल जी की सरकार में जब एम्स ऋषिकेश की घोषणा हुई थी तो केवल मैं नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में एक हर्ष का माहौल था कि हमारे यहाँ एम्स आ रहा है, और उसको हमने एक स्वास्थ्य बेहतर स्वास्थ्य की दृष्टि से, एक भविष्य में रोजगार की दृष्टि से हमने इसको देखा, और हम सब लोगों के मन में ये रहता था कि एम्स एक बहुत बेहतर सुविधाएं देने वाला जो है प्रतिष्ठान है। लेकिन जब से ये एम्स में ओपीडी शुरू हुई है या इलाज शुरू हुआ है, धीरे 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 लोगों का जो मतलब एक विश्वास था वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। वर्तमान में स्थिति ये हो रही है कि ऋषिकेश का कोई भी व्यक्ति, या मैं समझता हूँ आसपास का, या ऋषिकेश मैं इतनी बड़ी बात कहूँगा कि कोई भी बड़ा प्रतिनिधि भी किसी को भरोसे के साथ ये नहीं कह सकता कि तो आप जाइए एम्स में, मैं आपको भर्ती करा। प्रोसेस ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, और उसमें सबसे बड़ी है कि जो इमरजेंसी में डॉक्टर टेस्ट के लिए लिखते हैं जैसे सीटी स्कैन है, तो उसकी रिपोर्ट जो है तत्काल नहीं आती जिससे कि वो उसका आगे का इलाज करा सकें, तो प्रोसेस ठीक नहीं है। और खबर चमोली के केंद्र बिंदु कर्णप्रयाग से है, जहां चार धाम देवस्थान बोर्ड विधेयक के उत्तराखंड विधानसभा में निरस्त किए जाने की खुशी से डिमरी धार्मिक केंद्र पंचायत के पुजारियों और हक्कूधारियों ने कर्णप्रयाग के सिमल में आतिशबाजी की। आतिशबाजी करते हुए लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है। बता दें कि धामी सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र के दौरान यह बोर्ड निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद से चार धाम पंडा पुजारियों के इन गांव के लोगों को धामी सरकार का आभार प्रकट कर दिया। इसी के साथ लोगों ने सीएम के जिंदाबाद के नारे लगाए। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पंकज जिमरी ने कहा कि धामी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद अब भाजपा के ब्राह्मण मतदाताओं की पार्टी ने काफी हद तक नाराजगी दूर हो गई है। चार धाम देवस्थानम विधेयक को निरस्त किए जाने पर हम पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के कैबिनेट का, सतपाल जी महाराज का, स्थानीय विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी जी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, और आशा करते हैं भगवान बद्री विशाल पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक जीवन को सफल करेंगे। इसके लिए मामले में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और संत समाज सहित तमाम पत्रकार साथियों ने जो हम चार धाम के तीर्थ पुरोहितों, पुजारियों, पंडा समाज का साथ दिया, इसके लिए हम उन सभी का एक बार पुनः आभार करते हैं। पुष्कर सिंह धामी की सरकार। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।